सर, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और हमार बिहार में आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। व्यवस्था को आप हल्के में लेते हैं और रील बनाने का चस्का आपको चढ़ा हुआ है, तो ये आपके लिए किस तरह से नुकसानदेह हो सकता है इसकी कई घटनाएं आपने देखी सुनी होगी, लोगों को जान गंवाते देखा होगा, लेकिन एक छात्रा ने अपना भविष्य खराब कर लिया इस रील के चस्के में। जी हाँ, मामला मोतिहारी का है जहां छात्रा ने परीक्षा के दौरान रील बनाना शुरू कर दिया और उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट भी कर दिया। वीडियो वायरल हुआ तो मामला कॉलेज प्रबंधन के संज्ञान में आया और अब उस छात्रा पर कार्रवाई हुई है। छात्रा को कॉलेज से निष्कासित कर दिया गया है। मामला मोतिहारी के मुंशी सिंह कॉलेज का बताया जा रहा है। बीए का एग्जाम चल रहा था और एग्जाम रूम में शालू नाम की छात्रा ने रील्स बनाया जिस पर कॉलेज प्रबंधन ने एक्शन लिया है और उसे निष्कासित कर दिया है। साथ ही वीक्षक को भी आगे किसी भी परीक्षा से वंचित रखने का आदेश दिया गया है। था कि परीक्षा समाप्ति के वक्त जब कॉपी उत्तर पुस्तिका जमा करने के बाद एक छात्रा ने बाहर से ये कहीं उसने छुपा कर रखा था मोबाइल लाकर एक रील बना ली और जैसे ही मामला हुआ तत्काल उस छात्रा को चिन्हित किया गया और उसको निष्कासित किया गया। इतना ही नहीं, मैंने जब भी इस मामले का संज्ञान लेते हुए मैंने परीक्षा नियंत्रक यहाँ के मुंशी सिंह महाविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक से इस संबंध में सो कॉज भी पूछा, कारण बताओ नोटिस दिया और उनसे पूछा कि इस संबंध में क्या क्या आपने कार्रवाई की, कौन कौन लोग वीक्षक थे और उन वीक्षकों पर क्या कार्रवाई की। तो और उसी क्रम में ये बात आई और हम लोगों ने जो भी वीक्षक उसमें थे उनको भविष्य की परीक्षा से किया कि भविष्य में उनको किसी प्रकार के परीक्षा का दायित्व नहीं दिया जाए। तो किसी भी छात्र छात्रा से इतना तो कॉलेज प्रबंधक आशा रखता है कि वो नियमों का पालन करेंगे, डिसिप्लिन्ड रहेंगे और कदाचार मुक्त परीक्षा में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे, लेकिन परीक्षा के दौरान मोबाइल लेकर पहुंचना और मोबाइल से रील बनाना और रील को पोस्ट किया जाना, छात्रा ने कार्रवाई को आमंत्रित किया और कॉलेज ने कार्रवाई भी की, छात्रा को निष्कासित किया गया। सहयोगी अमित पूरी जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। अमित, किसी भी परीक्षा में वहां के गाइडलाइंस का पालन किया जाना अनिवार्य होता है, इंटरनल परीक्षा को हल्के में नहीं लिया जा सकता, लेकिन छात्रा शालू ने इसे हल्के से लिया और उस पर कार्रवाई हुई। बिल्कुल दीपक, बता दूं कि ये सबसे जरूरी सवाल ये है कि आज के युवा पीढ़ी में जो सोशल मीडिया पर वायरल होने का एक आदत जो पकड़ लिया है, जिस कारण से कई युवाओं ने अपनी जान भी गंवा दी है, तो एक तरह से ये माना जाए कि एक असाध्य रोग जो है ना सोशल मीडिया का, ये युवाओं में पड़ रहा है और इसी का नतीजा देखने को मिला मोतिहारी में, जहाँ मुंशी सिंह कॉलेज है उसमें एक छात्रा जो थी वो थर्ड पार्ट का एग्जाम, बीए थर्ड पार्ट का एग्जाम दे रही थी और जब एग्जाम समाप्ति के दौर में था तो उसने अपना मोबाइल निकाला और एक रील्स बना लिया और रील्स बनाकर उसने अपने अकाउंट से इंस्टाग्राम पर वायरल भी कर दिया। ये वीडियो जैसे ही वायरल हुआ तब उसके बाद कॉलेज प्रशासन सख्ती में आया और तत्काल उस छात्रा को परीक्षा से निष्कासित कर दिया गया है। इसके साथ ही जो वीक्षक जो थे, जो एग्जाम ड्यूटी में लगे थे, उस क्लासरूम में थे, उन वो पांच लोग थे और उन पांचों लोगों को कॉलेज प्रशासन ने आगे किसी भी एग्जाम से वंचित रहने का आदेश दिया है। वे लोग किसी भी एग्जाम ड्यूटी में नहीं लगेंगे। साथ ही एक बड़ा ये बात सामने आया कि इस मामले पर जब हमने कॉलेज प्रशासन से प्रिंसिपल से बात की तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि ये गलती हुई है, लेकिन इसके अलावा अब ये निर्णय लिया गया है कि अब कॉलेज में जो भी एग्जाम होंगे वो सीसीटीवी के निगरानी में होंगे और इसकी मॉनिटरिंग वो खुद प्रिंसिपल करेंगे। जी चलिए, धन्यवाद इन तमाम जानकारियों के लिए अमित। तो कॉलेज प्रबंधन आगे इस तरह की लापरवाही ना हो इसको लेकर कड़े कदम उठा रहा है और इसकी जानकारी कशिश न्यूज के साथ वहां के अधिकारी ने साझा भी की है। हालांकि इस तरह की लापरवाही जो हुई है तो वीक्षकों पर भी गाज गिरी है, उन्हें आगे किसी भी परीक्षा में बतौर वीक्षक नियुक्त नहीं किया जाएगा।